तो हम पढ़ते हैं नॉर्मल ईसीजी के बारे में। तो ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हार्ट की जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ईसीजी पेपर पर। मतलब इलेक्ट्रोग्राफी ग्राफी का एक पेपर होता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ईसीजी को, वो एक ईसीजी बोलते हैं जिसको। तो नॉर्मल ईसीजी, तो ईसीजी में हम वेव पढ़ते हैं, मतलब पी क्यू आर एस टी। नॉर्मल ये तीन वेव होते हैं, जैसे पी पी वेव, क्यू आर एस वेव और टी वेव। ठीक है, तो अभी ये पी वेव कैसे चल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पी जो है हमारी फर्स्ट वेव है ये, फिर उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है और ये टी लास्ट वेव है। तो जैसे कि सपोज अगर हम सबसे पहले बात करें अपने हार्ट के बारे में, हार्ट में क्या होता है, हमारे हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर जो होता है राइट एट्रियम होता है इस साइड, और ये क्या है लेफ्ट एट्रियम, इधर क्या है राइट वेंट्रिकल और उधर क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं सेमी एट्रियल, वो एट्रियो वेंट्रिकल वाल, क्या बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल वाल। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वाल पाई जाती है जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकल वाल बोलते हैं। अगर इन दोनों के बीच की बात करेंगे तो इनमें तो पाई जाती है हमारी वाल, वाल पाए जाते हैं मिट्रल वाल, मिट्रल वाल जिसको हम बाइकस्पिड वाल भी बोलते हैं। और अगर यहाँ पर वाल की बात करेंगे तो इसमें पाई जाती है बाइकस्पिड वाल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल। ठीक है, दोनों को एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल। ठीक है, फिर उसके बाद दो वाल यहाँ पाए जाते हैं यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरिक वाल, इसको बोलते हैं एरोटिक वाल। ठीक है, बट अगर वैसे बोले तो इन दोनों को बोलेंगे सेमिनुलार वाल, सेमी लूनार वाल, इसको भी सेमी लूनार वाल। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहले पी वेव के बारे में। पी वेव क्या है? हमारी फर्स्ट वेव है ईसीजी। क्या है पी वेव? हमारी फर्स्ट वेव है ईसीजी की, जिसका ड्यूरेशन होता है हमारा 0.1 सेकेंड या स्मॉल ढाई बॉक्स। अब ईसीजी का जो पेपर होता है वो लाइक इस तरह होता है कि एग्जांपल अगर हम बात करें, या अगर हम 5 बॉक्स बड़े बड़े बना लें, तो इसमें अगर हम एक बॉक्स की बात करेंगे, 1 2 3 4 5, अगर हम इस 5 बॉक्स की बात करें तो इसकी स्मॉल बॉक्स है। क्या है? स्मॉल बॉक्स। बड़ा बॉक्स वैसे पूरा एक है, पर स्मॉल बॉक्स क्या है, ये छोटा है, क्योंकि स्मॉल बॉक्स इतना मतलब छोटा बन नहीं सकता, इसलिए तो इसका जो पी वेव है ना ये ढाई बॉक्स के बराबर है। तो ये कितना है हमारा, एक बॉक्स, तो ऐसे ढाई बॉक्स के बराबर आएगा, तो जिसका इंटरवल कितना होता है 0.1 सेकेंड। ठीक है, पी वेव का ईसीजी पेपर पे। तो फिर क्या है, मतलब जो हमारे पी वेव क्या है, इट इज़ ड्यू टू द एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन। मतलब क्या होता है, एट्रियल जो हमारे एट्रियम होता है ऊपर का पार्ट, उसके कॉन्ट्रेक्शन से चलती है और इंडिकेट करती है हमारी इम्पल्स जनरेट। इम्पल्स जनरेट मीन्स मतलब जो हमारी इम्पल्स चल रही है एस से नोड से ए बी नोड तक, जो हमारी मतलब एटीएम कॉन्ट्रेक्शन के दौरान जो इंडिकेट कर रही है इम्पल्स को एस से नोड से ए बी नोड तक के आने में, उससे क्या एक मतलब वेव बनती है, उसको हम बोलते हैं पी वेव। तो इट इज़ ड्यू टू द एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन एंड इंडिकेट द इम्पल्स जनरेट फ्रॉम एस ए नोड टू रीच अप टू द ए बी नोड। मतलब एस ए नोड से ए बी नोड तक के पहुँचने पर जो हमारी वेव बन रही है एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन से, उसको हम बोलते हैं पी वेव। जैसे कि ये बन रही है हमारी पी वेव, फर्स्ट पी वेव है हमारी ये पी वेव। अगर वैसे बोले तो इसे ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन का मतलब होता है जो वेव ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये वाला। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जब हमारा जो हमारे वेंट्रिकल है सपोज एस ए वी नोड तक की हमारी जो इम्पल्स है वो आ गई, उसके बाद जो हमारी इम्पल्स है वो ए वी नोड से चलकर हमारी कहाँ पर पहुँचेगी, पुरकंजी फाइबर। तो ए वी नोड से कहाँ गई, बंडल ऑफिस से आ गई हमारी ये पुरकंजी फाइबर, ये हमारे वेंट्रिकल है। तो जब हमारे वेंट्रिकल जो है मतलब जो हमारी जो इम्पल्स है वो ट्रेवल करके कहाँ पर आ जाएगी, पुरकंजी फाइबर तक के, तो उसको हम बोल उससे क्या बनता है हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो ये क्यू आर एस हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 0.06 से 0.1 सेकेंड तक के, मतलब 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्स का इसका ड्यूरेशन होता है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे इट इंडिकेट इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम ए वी नोड टू रीच अप टू द बंडल ऑफ इज एंड पुरकंजी फाइबर, मतलब बिफोर सेमिनल वाल क्लोज, जो हमारी वाल है सेमिनुलर वाल क्लोज है, जो इसके क्लोज होने से पहले जो मतलब हमारे हार्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हुआ है उसको बोलते, उससे हमारी इम्पल्स जनरेट होती है और जिससे हमारी वेव बनती है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेव। फिर उसके बाद आता है हमारा
टी वेव। टी वेव क्या होता है हमारा, इसका ड्यूरेशन है, ये लास्ट वेव हमारी ड्यूरेशन है इसका 0.27 सेकेंड, मतलब 7 स्मॉल बॉक्स इसके, मतलब ये एक स्मॉल बॉक्स है, ये एक स्मॉल बॉक्स है, ये तो ऐसे ऐसे 7 स्मॉल बॉक्स बनेंगे, तो ये हमारा टी वेव है। ये थोड़ी सी अगर हम बड़ी सी कर दें, ये टी वेव है हमारी, ठीक है, ये पी वेव से थोड़ी बड़ी होती है और ये भी एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है। और अगर हम क्यू आर एस की बात करेंगे, ये बाईफेजिक रिफ्लेक्शन होता है, मतलब बाईफेजिक दो फेज बन रहे, एक ये एक इस तरह दो फेज बन रहे, तो उसको हम बोलते हैं बाईफेजिक रिफ्लेक्शन। और जैसे ये भी एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है और ये भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। अगर बात करें नीचे, जैसे सपोज अगर ये नीचे कोई वेव चली गई, उसको हम बोलते हैं निगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो टी वेव क्या हमारा, इसका ड्यूरेशन 0.27 सेकेंड होता है, जिसमें साल सात सेवन स्मॉल बॉक्स मतलब कवर करती है, और इट इज ड्यू टू वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, जिसे हम हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कम बनता है जब हमारा हार्ट जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन कराता है, मतलब हार्ट डायस्टोल हार्ट सिस्टोल कराता है तो वेंट्रिकल से, तो उस टाइम पर हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कराने के बाद जब हमारा वेंट्रिकल जो है रिलैक्स होते हैं, तो रिलैक्स में हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स मतलब कौन सी वेव बनती है, टी वेव। तो इट इज़ द ड्यू टू द वेंट्रिकल रिलैक्सेशन या वेंट्रिकल डायस्टोल, तो उससे हमारी कौन सी वेव बनेगी, टी वेव। तो ये हमारा है ई सी जी के बारे में, ये हमारी नॉर्मल ई सी जी है।